हेलो एवरीवान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड एज यू नो कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग थ्योरी या पब्लिक पॉलिसी जिस तरीके से बनाई जाती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को हमने कवर किया है अभी तक जैसे हमने हर्बर्ट साइमन का बाउंड्री रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बाद में हमने लिंक का इंक्रीमेंटल पढ़ा इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा इसके साथ ही हमने फिर एडजियोनी का मिक्सड स्कैनिंग मॉडल ये भी हमने कवर कर लिया है फाइनली लास्ट में हमने कवर किया था का ऑप्टिमम मॉडल ठीक है By तो ये चार मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं अब हम बात करेंगे गार्बेज कैन मॉडल के बारे में ये मॉडल जो है बेसिकली ये अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े वो बताते हैं कि हाउ डिसीज शुड बी टेकन हाउ वी कैन टेक गुड डिसीजन रैशनल डिसीजन तो क्या होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं गार्बेज कैन मॉडल बेसिकली बताता है कि एक्चुअल में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं तो ये मॉडल काफी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव है इन सॉरी प्रिस्क्रिप्टिव ना होकर के डिस्क्रिप्टिव है इन नेचर ये डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को प्रिस्क्राइब नहीं करता प्रिस्क्राइब मतलब बताना क्या करना चाहिए डिस्क्राइब मतलब तुम अभी क्या कर रहे हो तो इन्होंने कहा कि जो आज के टाइम पर डिसीजन मेकिंग है ना वो एक गार्बेज कैन की तरह है ये मॉडल डेवलप किसने किया था कब किया था 1972 में डेवलप किया गया था तीन लोगों के द्वारा मिशेल कॉहन जेम्स मार्श एंड जोहन ऑल्सन के द्वारा इन्होंने गार्बेज कैन मॉडल दिया इन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से होती है ठीक है ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में बात करते हैं इन्होंने कहा कि देखो इंस्टीट्यूट है ना अपने आप में एनार्किस की तरह बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एनार्किस को लेकर के अपने आप में पूरी थ्योरी है बट इतना समझ लीजिए एनार्की क्या होता है एनार्की में एक सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता रेंडमली जिसके मन में जो चीज आ रही है वो करे जा रहा है अराजकता है पूरी एनार्की फैली हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ कुछ वैसा ही है कोई भी सिस्टमैटिक तरीका नहीं है डिसीजन्स लेने का बस रेंडमली कोई अपना ओपिनियन रख रहा है किसका एक्सपीरियंस काम कर रहा है किसी का कुछ बस वो एकदम से डिसीजन्स लिए जा रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कोई भी रैशनल तरीके से सिस्टमेटिकली स्टडी इवाल्युएट करके हम डिसीजंस नहीं ले रहे हैं

Reactive क्या होता है 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 बाढ़ आ चुकी है. अब जो जो फैसले आप ले रहे हो वो reactive decisions है. तो, जो आपका की model है, वो तो आपका लेता है, कि proactive इसमें स और इंक्रीमेंटल मॉडल का कुछ मिला जुला कुछ है ये रैशनल मॉडल है बेसिकली गार्बेज कैन मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्शन है गार्बेज कैन क्या होता है डस्टबिन काइंड ऑफ चीज ये कलेक्शन है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है फेंकी जा रही हैं डिफरेंट चीजें क्या है चौसेज लुकिंग फॉर प्रॉब्लम फीलिंग्स लुकिंग फॉर डिसीजन सिचुएशन इन सब को क्या किया हमने थ्रो कर दिया एक कैन के अंदर और वहां से हम एक एक चीजें निकाले लें जैसे एक पर्चिया नहीं होती हमने एक डब्बे में डाल दिया और उसमें से हम एक एक सोल्यूशन निकाले कुछ इस तरीके का है तो प्रॉब्लम सोल्यूशन डिसीजन पार्टिसिपेंट्स एंड चॉइस अपॉर्चुनिटीज आर मेजर स्ट्रीम ऑफ दिस मॉडल ध्यान रखना चार फैक्टर हैं इसमें कौन कौन से वापिस से बता रही हूँ प्रॉब्लम इसका हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग है सोल्यूशन ये भी अलग है जो डिसाइड कर रहे हैं डिसीजन पार्टिसिपेंट्स वो अलग हैं एंड चॉइस अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन टू मेक अ डिसीजन ये चार फैक्टर हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी में और इन्हीं को क्या कहा गया है गार्बेज कैन कहा गया चॉइस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक गार्बेज कैन इसका मैं बताती हूँ कैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे विकिपीडिया का यूज कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये गार्बेज कैन बना हुआ है इधर सोल्यूशन है प्रॉब्लम पड़ी है डिसीजन मेकिंग सब कुछ रखा हुआ है चॉइस अपॉर्चुनिटीज आई उनमें से एक हमने उठा लिया और डिसीजन ले लिया इस तरीके से लाइक like, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो आपके घर में एक डब्बा है उसमें बाहर से लोग आते गए और सामान को रखते गए रख दिया जब जरूरत पड़ी आपको आपने क्या किया जब जरूरत पड़ी वहां से एक सामान उठा लिया जैसे लोग किताब ले आए कपड़े ले आए और सामान ले आए और उस बक्से के अंदर रख दिया उस बक्से में जब आपको जरूरत पड़ी जब जरूरत पड़ी आपने उसमें से निकाल लिया तो यहां पर बहुत ही इेशनल तरीके से काम हो रहा है आपने प्रॉब्लम्स देखी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा

तो एक जो अभी तक हम मॉडल पढ़ते हैं चारों मॉडल्स हमने देखे थे हमने किया था कि डिसीजन मेकिंग एक एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होते और एक के साथ खत्म होता है हमने देखा था ना एक प्रॉब्लम है उसके अल्टरनेटिव हमने ढूंढे थे फिर बेस्ट अल्टरनेटिव के को एनालाइज करते हुए हमने इवेल्युएट किया उसमें से जो बेस्ट है उसको हमने चूज कर लिया तो इट इट्स लाइक अ लीनियर प्रोसेस वेयर वी स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम एंड एंडेड विद द दोल्यूशन गार्बेज के एंड मॉडल में तीन स्ट्रीम्स होती है प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पार्टिसिपेंट की वही मैंने बात करी प्रॉब्लम सोल्यूशन पार्टिसिपेंट्स की तीन वो होती है एंड देर आर सोलूशन सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम देखो सोल्यूशन वैसे क्या होता है सोल्यूशन प्रॉब्लम problem है प्रॉब्लम में सोल्यूशन को सर्च किया जा रहा है बट यहाँ पे सोल्यूशन रखे हुए हैं एक बार होता है ना हमें पता है कि ये काम किया जा सकता है बट वो प्रॉब्लम नहीं होती तो सोल्यूशन सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम भी है पार्टिसिपेटिंग भी है वो किसी ना किसी तरीके से अपने आइडियाज अपने में मुश्किल है कुछ कुछ उसी मुश्किल इसीलिए इसको आर की बोला गया वही मुश्किल जब डिसीजन लिए जाते तब होता है बस हो रहा है फ्लो में रेंडमली चीजें हो रही हैं तो इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम दीज डिसाइड विच प्रॉब्लम टू एड्रेस एंड विच सोलूशन आर टू सेलेक्ट कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें सेलेक्ट करना है कहां से पता चलेगा आप so, कितनी ही थ्योरीज बना लो कितना ही वो कर लो जब तक रियल में इस तरीके से आप डिसीजन लोगे तब तक कुछ भला नहीं हो सकता यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी गई है कि अभी तक जितने मॉडल्स डेवलप हुए उन्होंने जस्टिफाई किया कि प्रॉब्लम को डिसीजन मेकिंग में हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं बट एक्चुअल में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें सॉल्यूशन रेंडमली रखे हुए हैं सॉल्यूशन का प्रॉब्लम से कोई लेन देन नहीं है हम बस क्या करते हैं जैसे मान लो एक बंदा है जिसने अभी अभी कोई कंपनी स्टार्ट करी है अब उसको कोई प्रॉब्लम आई कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो हम क्या करते हैं हम एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं या बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइम वेन वी आर एनकाउंटरिंग दिस प्रॉब्लम बट मान लो अब उसको तीन चार साल हो चुके हैं अब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी बट हिल डू रेदर देन गोइंग फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल या फिर रैशनलिस्ट अप्रोच के पास जाने के बजाय वो क्या करेंगे

सादा करने की जरूरत नहीं है हाँ बाउंड्रेड रैशनैलिटी ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हार्बर्ट साइमन वाला आप तो देख लेना जो लेक्चर है इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट भी जब मैंने साइमन की थ्योरी बताई थी तभी मैंने बताया था ऑल रिलेटेड टू द क्लासिकल थिंकर्स थिंकर मॉडल भी यहाँ पर ही है अदरवाइज जो शॉर्ट सेक्शन है हमारे सीरीज का उसके ऊपर भी आप फोकस करें वहां पर भी ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है ठीक है एंड आप हमें ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां पे डेली आपको न्यूज़पेपर और जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं साथ में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज वगैरह है वो भी आपके साथ शेयर की जाती है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं बाकी कल मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने वीडियोज को देखना है ये आप काइंड ऑफ फीस हमें पे कर सकते हैं अगर आप इसके अलावा जाएं प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फुल लेक्चर सीरीज भी है हिंदी के अंदर भी मटेरियल अवेलेबल है आपने हमारा दूसरा चैनल अवर एडमिनिस्ट्रेशन सब्सक्राइब करना है हमारा प्रशासन एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल कमेंट तो आप करोगे आई नो उसके लिए तो आपको कहने की जरूरत नहीं है चलिए टेक केयर कल मिलते हैं एंड